गेहूं का भाव कुछ मंडियों में 3000 रुपए प्रति क्विंटल के पार हो चुका है। दरअसल रबी सीजन में सबसे प्रमुख खाद्यान्न गेहूं की नई फसल की कटाई तैयारी कुछ क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है और मंडियों में नया माल आने लगा है। इसका भाव सरकारी समर्थन मूल्य यानी MSP से ऊंचा बताया जा रहा है। दरअसल सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत अपने स्टॉक से गेहूं की बिक्री बंद करने का निश्चय किया है, जिससे मिलर्स प्रोसेसर्स को मंडियों से इसकी खरीद करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के सप्ताह के दौरान दिल्ली में UP राजस्थान के गेहूं का भाव 75 रुपए लुढ़क कर 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा, लेकिन गुजरात में राजकोट में 200 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव नीचे में 2400 तो ऊपर में 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम में मिला जुला रुझान देखने को मिला। इंदौर मंडी में भाव 41 रुपए तो डबरा में 25 रुपए फिसल गया, मगर उज्जैन में 150 रुपए और इटारसी में 100 रुपए तथा भोपाल में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की मंडियों में भी गेहूं का दाम कोटा मंडी में 100 रुपए लुढ़क कर 2350 से 2900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा, जबकि बारा मंडी में 170 रुपए उछलकर 2350 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया। वहीं बूंदी मंडी में भी 25 रुपए का सुधार देखने को मिला और भाव ऊपर में 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया। दरअसल देश के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गेहूं का भाव शाहजहांपुर, गोंडा, मैनपुरी और एटा में 10 से 60 रुपए प्रति क्विंटल तक नरम रहा। वहीं गोरखपुर और हरदोई में 30 से 40 रुपए का सुधार देखने को मिला, जबकि महाराष्ट्र की जालना मंडी में भी गेहूं का भाव 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2300 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वहीं गेहूं की फसल को कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से भी जूझना पड़ा है। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसका उत्पादन 1120 लाख टन के करीब होने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जल्द ही शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।